महाराष्ट्र के बीड जिले से एक वीडियो आया है। वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बता देते हैं कि उसमें है क्या। उसमें एक महिला सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ती दिख रही है। महिला आदिवासी है, उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस सब का आरोप लगा है स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता सुरेश धस पर। पीड़ित आदिवासी महिला का कहना है कि प्राजक्ता सुरेश उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहती हैं, इसलिए वो उसे लगातार परेशान कर रही है। पीड़ित महिला ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि रविवार यानी कि 15 अक्टूबर को विधायक जी की पत्नी से जुड़े कुछ लोग उनके खेत पर आए और उनकी पिटाई करने लगे। इस दौरान वो भी उन लोगों से भिड़ गई। आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। जब विरोध ज़्यादा बढ़ा तो आरोपी वहाँ से भागने लगे। इस दौरान पीड़ित महिला बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़कर उनका पीछा करने लगी। आदिवासी महिला ने मामले में प्राजक्ता सहित 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई है। आज तक से जुड़े रोहिदास हतागले की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बीड के वालुंज इलाके की है। इस मामले में बीड के आष्टी पुलिस स्टेशन निरीक्षक ने बताया कि खेती के विवाद के कारण ये घटना हुई है। उनके मुताबिक पीड़ित महिला अपने खेत में मक्का की फसल काट रही थी, उसी समय दो लोग वहां आए और महिला से गाली गलौज करने लगे, उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उनके साथ उत्पीड़न किया। पुलिस का कहना है कि इस दौरान एक महिला भी आरोपियों के साथ आई थी और उनको ऐसा करने के लिए उकसा रही थी। झड़प के दौरान जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पीड़ित महिला उनके पीछे भागी तो उसकी बहू ने वीडियो बना लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्राजक्ता सुरेश धस, राहुल जगदाले और रघु पवार के खिलाफ IPC की धारा 354, 354B, 323, 504, 506, 554A, 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच डिप्टी SP करेंगे। वे उस वीडियो की सत्यता की जांच करेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई उसके आधार पर की जाएगी। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिवसेना नेता सुषमा अंगारे ने कहा कि आष्टी के वालुंज इलाके में जो घटना घटी है वो बेहद घृणित और मानवता को शर्मसार करने वाली है। थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के MLA सुरेश धस की पत्नी का नाम उसमें शामिल है, इसलिए सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। मेरा सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र मणिपुर बन रहा है? बार बार कानून व्यवस्था यहाँ फेल होती जाती है। आष्टी विधायक सुरेश धस ने अपनी पत्नी के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक कि पूरा मामला ही झूठा है और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उन्होंने कहा, मैंने खुद स्थानीय पुलिस से अनुरोध किया कि वीडियो की जांच फॉरेंसिक लैब में कराई जाए। मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, आदिवासी समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति कैसे काम करता हूँ ये यहाँ के सभी लोग जानते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की अच्छे से जाँच करे और लोगों को सच बताए। बाकी इस वीडियो की जांच होने पर जो भी निकल कर आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर बताएंगे। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभय ने। मेरा नाम सोनल है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।